हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। मैट्रिक्स से रिलेटेड है, जो बार बार क्वेश्चन में पेपर एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि आप भी होगा गुणा, यानी कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दे देगा उसका क्या पूछेगा, मैट्रिक्स यानी कि मल्टीप्लीकेशन ज्ञात कीजिए। तो आप आसानी से बहुत ही सिंपल वे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इसके पहले हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और को फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उस वीडियो को भी फुल वॉच कर लीजिएगा, तो ताकि मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में छपता है तो आप उसको नस्तनाबूद कर दीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। इसके मैट्रिक्स का गुणा करने के लिए आपको केवल यही याद करना पड़ेगा, आर सी राम। इसका कहने का मतलब यह है कि आर से हो गया आपका रो, सी से हो गया कालम, ठीक है, कालम, लेकिन लिखना है आर से रो। इसका कहने का मतलब है कि रो को लीजिए, कालम में गुणा कीजिए और लिखिए रो। तो आप एक सिंपल सा एंट्री याद कर लीजिएगा, आर सी राम, ठीक है। तो पहला इसमें हम देखेंगे कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं और कालम कितने हैं, 1 2 3। तो 3x3 का यह मैट्रिक्स है और यह भी 3x3 का मैट्रिक्स है। तो इसका कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे किया जाता है कि कोई भी रो रहेगा, यदि पहला रो ले रहे हैं तो पहले रो का दूसरे मैट्रिक्स यानी कि जो संख्या रख दिया रहेगा ए का, ए में यदि पहला रो ले रहे हैं तो बी का पहला कालम लेंगे, ठीक है, यानी कि ऐसे और इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे। इसीलिए लिखा गया आर सी राम, आर से रो का कालम में गुणा करेंगे लेकिन लिखेंगे कैसे, रो में। तो देखिए, यदि रो का पहला संख्या 3 है तो कालम का पहला संख्या 2 है, तो 3 × 6 + अब यहाँ -1 है तो -1 का गुणा किसमें होगा, 3 में, क्योंकि रो का दूसरा संख्या कालम के दूसरे संख्या से गुणा होगा ना, तो -3 आएगा। फिर प्लस लगाएंगे, 4 × 4, ठीक है, पहला रो का पहले कालम में गुणा हो गया। अब देखेंगे कि फिर पहला रो का दूसरे कालम में गुणा करेंगे, फिर दूसरा कालम हो जाएगा तो पहला रो का तीसरे कालम में गुणा करेंगे, तब तक गुणा करेंगे जब तक कि पूरा कालम समाप्त न हो जाए पहला रो का, ठीक है। फिर उसी प्रकार इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 × 12 प्लस, फिर -1 का 3 में करेंगे तो -3, फिर क्या करेंगे प्लस, 4 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या आएगा, -4। अब फिर क्या करेंगे, फिर पहला रो का तीसरे कालम में गुणा करेंगे तो 3 × 6 प्लस, फिर -1 का 3 में गुणा करेंगे तो -1 प्लस, फिर 5 × 20, ठीक है, ये प्लस है। अब क्या करेंगे, पहला रो तो खत्म हो गया क्योंकि पहला रो का तीनों कालम में क्रमबद्ध तरीके से हमने गुणा कर दिया लेकिन लिखे हैं कि इसमें रो में, यही नियम फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि दूसरा रो लेंगे, फिर पहले कालम दूसरे कालम तीसरे कालम में क्रमबद्ध तरीके से गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा प्लस, 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0 आएगा प्लस, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 आएगा। फिर उसी प्रकार 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 आएगा प्लस, 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0 आएगा प्लस, ठीक है, 6 का गुणा -1 में करेंगे तो -6 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा प्लस, फिर 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0 आएगा प्लस, ठीक है, 6 का गुणा 1 में करेंगे 5 में करेंगे तो 6×5 = 30 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 का गुणा 3 में करेंगे 2 में करेंगे तो 8 आएगा प्लस, फिर 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा प्लस, ठीक है, 4 का गुणा 2 में 8, अब 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 प्लस, ठीक है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका 2 आएगा। फिर उसी प्रोसेस के थ्रू तीसरा रो लेंगे, पहला कालम में कर दिए, देखिए 2 × 8 5 × 15 2 × 2, फिर तीसरा रो का दूसरे कालम में गुणा करेंगे, 4 × 16 प्लस, देखिए 5 × 15 प्लस, ठीक है, 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2। फिर अब क्या करेंगे, फिर तीसरे रो का तीसरे कालम में गुणा करेंगे क्योंकि दूसरे में हो गया, तो 4 × 8 प्लस, 5 × 15 प्लस, ठीक है, 5 × 15, 3 × 2 = 10। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन। अब आपस में क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, यानी 6 में से 3 गया 3 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 + 2 - में करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कि 12 में से 3 गया 9, फिर 9 आया, फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, यानी इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 12 - 3 - 4, यानी कि 4 × 3 = 7, 12 में से 7 गया 5, ठीक है।
फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 1 + 20 यानी कि 6 में से 1 गया 5, 20 5 25 ठीक है। उसी प्रकार 6 * 4 = 10 हो जाएगा, 8 - 8 में से 6 गया 2, फिर यहाँ पर 34 हो जाएगा 34, फिर यहाँ पर 18 * 5 = 23 ठीक है, सॉरी 15 में 8 जोड़ेंगे, 15 * 8 कितना होगा 23 * 2 = 25 ठीक है। अब देखिए 16 - 15 यहाँ पर -2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16 + 15 - 2, तो 15 में से 2 गया 13 होगा, 13 और 16 कितना होगा 29 ठीक है, तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा ठीक है, 13 आएगा, अब 13 में 16 जोड़ देंगे 6 * 3 = 9 - 29 आएगा ठीक है, और 15 + 10 = 25 15 + 10 = 25 = 8 - 33 यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे ठीक है। तो वीडियो यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, थैंक यू।